एक तरफ जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से लाउड स्पीकरों पर अजान को लेकर विरोध जारी है, वहीं दीगर शहर में मुस्लिम शिव जयंती उत्सव समिति ने रमजान ईद के मौके पर शहर के हनुमान मंदिर के सामने एक बेहद अनोखी और काबिले तारीफ पहल को अमल में लाया है। आइए देखते क्या ये पहल। इन दिनों सियासी खेल में नफरत की चाल का सिक्का खूब उछाला जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सर्वे सर्वा राज ठाकरे ने मस्जिदों पर अजान के लिए लगे लाउड स्पीकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसको लेकर राज्य में कुछ जगहों पर कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की तस्वीरें सामने आ रही है। मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पठन का प्रयास करने वालों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, जबकि इसी बीच यवतमाल जिले के दिग्र शहर में मंगलवार को रमजान ईद के मौके पर मुस्लिम शिव जयंती उत्सव समिति ने एक बेहद अनूठा प्रयास करते हुए एकता और सद्भाव के लिए परिचित दिग्र शहर की कौमी एकता को मजबूती प्रदान की है। मुस्लिम शिव जयंती उत्सव समिति ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर स्थित हनुमान मंदिर के सामने हनुमान चालीसा और नमाज तथा अजान का अर्थ नामक किताबों का वितरण किया है। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों ने राहगीरों, शहर के नागरिकों सहित विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों को यह किताबें प्रदान कर लोगों में एक दूसरे के धार्मिक आचरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और ईश्वर के प्रति अकीदत, आस्था और पूजा विधि से लोगों को अवगत कराने के लिए इस पहल को साकार किया है, ताकि लोगों में गलतफहमी का कोई शिकार न हो। इस पहल को लोगों का जहां बढ़ चढ़कर प्रतिसाद मिला, वहीं मान्यवरों ने भी इसकी काफी सराहना की है। रमजान ईद निमित्त सर्व मुस्लिम बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा देतो व तसेच परशुराम जयंती आणि बसवेश्वर महाराज जयंती यांच्या सुद्धा शुभेच्छा देतो। आणि मुस्लिम शिवजयंती उत्सव समितीतर्फे जो आगळा वेगळा कार्यक्रम आज या ठिकाणी अफजल भाई, सुरेश भाऊ चिरडे, ऋषिकेश हिरास त्यांच्या टीमनी जो हा कार्यक्रम केला, खरोखरच ते अभिनंदनास पात्र आहे। आणि त्यांच्या या कार्याला भारतीय जनता पार्टीतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। क्यों लड़ती है दुनिया आपस में, ये बात समझ नहीं आती। धर्म और मजहब पे लड़ना ना तो गीता ना कुरान सिखाती। या मनी प्रमाणे आज मुस्लिम शिव जयंती उत्सवाच्या वतीने व आमचे मित्र अफजल खान यांच्या वतीने एक एकतेचा संदेश देणारा उपक्रम येथे राबवण्यात आलेला आहे। यामध्ये अजान आणि नमाजचा अर्थ काय आणि हनुमान चालीसा या दोघांचं सोबत वाटप यातील नागरिकांना करण्यात आलेलं आहे। आणि या दिग्रसमध्ये नेहमी एकता अखंडित राहावं या उद्दिष्टानं आजचा हे जे उपक्रम अफजल भयानी घेतला, त्यासाठी मी त्यांचे व त्यांच्या संपूर्ण टीमचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। जय हिंद। बहरहाल ये बात तो साफ है कि राजनीति में अक्सर शातिर और स्वार्थी नेता लोगों की अज्ञानता, उनके विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें भड़काकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि सत्य धर्म पर आधारित किताबें हमेशा सच बोलती है, वे गुमराह नहीं करती, ना ही लोगों में नफरत फैलाती है। इसीलिए लोगों में फैली गलतफहमियों को दूर करने के लिए मुस्लिम शिव जयंती उत्सव समिति ने किताब वितरित कर न सिर्फ एकता, शांति और भाईचारे का संदेश दिया है, बल्कि उनकी इस पहल से नफरत बाजों को भी करारा जवाब मिल चुका है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।